जय श्री राधे हरि बोल। तो आज किस चीज का व्लॉग है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे प्रश्न थे कि आप लड्डू गोपाल के इतने हैवी हैवी जो पोशाक पहनाते हो उसको आप वॉश कैसे करते हो। तो आइए शुरू करते हैं, बताती हूँ। वैसे मैं आज धोबी वाला हूँ, यही काम है मेरा। और वैसे भी कृष्ण भक्ति में किया हुआ छोटा सा भी जो काम है उसको हम सर्विस के नाम से ही कहते हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि भगवान की सेवा, वो उसी में ही गिना जाता है। तो आइए मैं दिखा देती हूँ क्या है, कैसे वॉश करना है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि वाइट कलर का पोशाक में लाला को पहना था। ये पीछे जो लगा हुआ है ना कपड़ा, अगर आप इसे पानी में डालते हैं तो पीछे के जो जितने भी कपड़े हैं ना ये निकलने लगते हैं। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी लेकिन लाला को जब ये निकल जाएगा तो लाला को चुभेगा बहुत। अगर आपके पास इस तरीके के कपड़े, देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके के कपड़े को वॉश करना। तो अब ये हैवी है क्योंकि परचेज भी हमने मतलब बहुत महंगे मिलते हैं लाला के कपड़े। और अगर इस तरीके के कपड़े हैं, ये देखिए ये सब बहुत हैवी कपड़े हैं। तो अब इसको आप पानी से तो वॉश नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर पानी से वॉश करते तो पीछे का ख़राब हो जाता है सारी चीज़ें ये जो है। तो मैंने जानकारी के लिए मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि कैसे वॉश कर सकते हैं अगर हम साबुन वाबुन कुछ यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप ग्लास कटोरी या जो भी है उसमें पानी लीजिए नॉर्मल, उसके अंदर गंगा जल डालिए और एक तुलसी का पत्ता डालिए। तो मैंने ये तीनों डाल दिया और ये इस वक्त सबसे पवित्र जल है। अब आपको क्या करना है, ये जल हाथ में लीजिए ऐसे करके और भगवान का मंत्र पढ़ते पढ़ते आप ऐसे इसके ऊपर छिड़क दीजिए। मैं ज़्यादातर कोई भी चीज़ करती हूँ, कोई भी काम, तो मैं सबसे ज़्यादा कोई एक ही मंत्र सबसे ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप मंत्र का जाप करते करते आप इसको ऐसे ऊपर पानी डाल दिया अपने जल और ये साइड में रख देंगे और ऐसे ही करके हम ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सबसे पवित्र जल है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप जो जल में अगर गोपाल जी था ठाकुर जी को या भगवान को आप स्नान कराते हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा गंगा जल और अगर तुलसी दल अर्पित करके अगर आप स्नान कराते हैं तो वो भी सबसे पवित्र है, उसका भी बहुत मान्यता है। तो ये इस तरीके से मैं इनके ये सारे कपड़ों पर, इस तरीके के जो कपड़े हैं उसको मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ। और अब आया है ये, जैसे कि ये मैंने मेरे लाला को काफ़ी बार पहना दिया है। ये अब ये सफ़ेद कलर है तो ऑफकोर्स इसका जो कलर है वो अब धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा क्योंकि मैंने एक दो बार इत्र भी लगा दिया था इसके ऊपर। लाला मेरे खाना भी गिरा देते हैं, मेरे नहीं बने सब लाला ऐसे ही करते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम हो गया है इसको, जब इसके अंदर ये कलर निकलने लग गया है तो अब हम क्या करेंगे। मेरे पास ये साबुन है जो हम नॉर्मली साबुन यूज़ करते हैं वही लीजिए, उसको हाथ पे ऐसे लेके और ये कपड़े पे ऐसे ऊपर ऐसे करके आप उसे घिस दीजिए। अवॉइड कीजिएगा कि पीछे जाए, जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिएगा कि पीछे ना लगे। अगर लग जाता है तो कोई बात नहीं, एक आध बार चल जाता है लेकिन ज़्यादातर आप अवॉइड ही कीजिए। ऐसे करके आप वॉश कर दीजिए। ये देखिए धीरे धीरे ये अगर जो भी दाग अगर लगे होंगे वो निकलने लगेंगे। साबुन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप उसे वॉश कर लें। अब आया ये भी, ज़्यादातर मेरे लाला के कपड़े में यही है तो मुझे पहले जानकारी नहीं थी तो मैं भी पूरा ऐसे पानी में डाल के उसको धो लेती थी तो ये पूरा निकल गया था। तो मेरे लाला को जब मैं कपड़े पहना उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी स्पेशली गर्मी के टाइम, तो मैं ये अवॉइड करती हूँ। अब आया इस तरीके के कपड़े, तो इस तरीके के कपड़े में आपको क्या करना है, पानी लीजिए बाल्टी में ऐसे करके, सिंपल है, यहाँ रखिए हल्का सा साबुन ऐसे लीजिए। साबुन इसीलिए लगता है, लगा देती हूँ ना मैं क्योंकि खाना वाना गिरा रहता है ना, थोड़ा दाग लग जाता है उस चीज़ का खाली ये ध्यान रखना है। ये फूल वगैरह भी इनके कपड़ों में लगे ही हुए हैं, इसको आप ऐसे कीजिए। जिसने जितने में आपने साबुन लगाया है उन कपड़ों को हम अलग से साइड में यहाँ रख देंगे। अब आ गए ये हमारे लाला ने को हमने कल पहनाया था, ये रहा ये सारे कपड़े इनके नाइट ड्रेस, इन सब में मैं साबुन लगा देती हूँ, मैं ऐसे ही करके वॉश करती हूँ। और लाला का साबुन मैं आपको बता दूँ, लाला का साबुन ये अलग है, इनका साबुन मैं यूज़ अपने कपड़ों में नहीं करती और अपने कोई भी चीज़ में इनके अंदर यूज़ नहीं करती क्योंकि हम टॉयलेट जाते हैं पॉटी जाते हैं, हम कपड़े कितने भी साफ़ करें लेकिन हमारा और उनका जो साबुन है वो एक नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि आप इनके कपड़े भी रोज़ धोया कीजिए, रोज़ लाला के कपड़े चेंज होते हैं। बहुत जगहों पर मैंने कमेंट में मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि हमको तो पता ही नहीं है
कि मतलब हमको कपड़े भी चेंज करने होते हैं, कि उनको स्नान भी कराना होता है, तो ये तब होता है जब लोगों को, लोग उनको मतलब बोलते हैं ना भगवान की तरीके से, बस जैसे हम बाकी भगवान की पूजा करते हैं रोज, ऐसे टीका लगाया, पोछ दिया, फिर दिया, अगरबत्ती जो भी है वो कर लेते हैं, तो वो लोग उसी तरीके से उनकी भी सेवा करते हैं। पहले मैं भी करती थी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी हुई कि अगर आपके घर में ठाकुर जी है, आपको रोज उन्हें स्नान कराना है, रोज उनके कपड़े चेंज करवाने हैं, रोज उनको 4 टाइम का कम से कम आपको भोग लगाना है, ये नियम है। तो इस तरीके से अपने लाला की सारे कपड़े वगैरह हैं जो वॉश करती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके कपड़े सुखाती कैसे हूँ। मैं कपड़े भी उनके वैसे, कपड़े भी वैसे ही सुखाती हूँ जैसे हम अपने कपड़े सुखाते हैं। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं मुझे, इतने छोटे छोटे कपड़े किसके हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरे घर पे ठाकुर जी हैं तो उनके कपड़े ज़्यादातर सूखते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं मेरे लाला के, ये यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ लाला के ही कपड़े हैं मेरे। और यहाँ पे भी देखिए, ये मैंने वॉश करके सारे कपड़े रखे थे, और ये इनके अलग से क्लिप्स हैं। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये सिर्फ इन्हीं के हैं, मैं इनके क्लिप्स अपने कपड़ों में नहीं लगाती हूँ, तो इस चीज़ का भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। जब सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, सूख जाएं, तो जैसे आप अपने कपड़े अच्छे तरीके से प्रेस करने वाले कपड़े प्रेस करते हैं, उसको अच्छे से घड़ी करके मतलब फोल्ड करके आप उनके अपने वार्डरोब में रखते हैं, वैसे ही चीज़ें आपके आपको लाला के साथ भी करनी है। जब उनके सारे कपड़े सूख जाएं तो उसको अच्छे तरीके से रख के, आप चाहें तो जो हैवी वाले कपड़े मैंने बताए हैं, जब सारे कपड़े सूख जाएं तो आप स्प्रे की जो बॉटल आती है उसके अंदर तुलसी का पानी और थोड़ा सा इत्र डाल के आप उनके कपड़ों पे स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि बहुत कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बारिश का सीज़न आ जाएगा तो स्मेल भी आने लगती है कभी कभी कपड़ों में से, आप लोगों को पता ही हमारे कपड़ों में से भी आती है, तो उस वो चीज़ आप कर सकते हैं तो उससे स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। उनके नाइट का जो ड्रेस है वो अलग रखिए, दिन में पहनने वाले ड्रेस अलग रखिए, उनके नैपीज भी आती हैं, चड्डी आती हैं, छोटे छोटे नैपीज आती हैं, वो भी आप उनको गर्मी के टाइम में या ठंडी के टाइम में जो भी है आप नैपीज भी उनको पहनाइए। और इसी तरीके से आपको अपने लाला के कपड़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई भी और प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, हरि बोल।